हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं। और दिवाली मतलब दिए जलाना, घर को अच्छी तरह से सजाना, और दिया जो है घर में जैसे चार चांद लगा देते हैं। और दिवाली के नाइट ऐसा होता है, ऐसा लगता है जैसे कभी ये ख़त्म ही ना हो। और मंदिर पे मैंने कुछ कलरफुल लाइट लगाए थे जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। और साथ में बालकनी का जो व्यू आ रहा है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। जो मेरी दिवाली डेकोरेशन ब्लॉग था उसमें मैंने आप लोगों के साथ मेरी बालकनी का डेकोरेशन भी शेयर किया था लाइट्स के साथ। सो यहाँ पे मैं मेरी जो दूसरी बालकनी है वो भी मैं थोड़ा बहुत शेयर कर रही हूँ। ये मेरी मिडिल का जो बालकनी है उसका व्यू है। और इस बार मैंने यहाँ पे जो स्टार वाले लाइट हैं वो लगाए हैं, और लास्ट ईयर का जो दिया वाला लाइट है वो मैंने मेरी जो कॉर्नर वाली जो बैल्कनी है कृति के रूम के साथ वहाँ पे मैंने लगाया है। सो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रहा मेरी यूटिलिटी, यूटिलिटी में मैंने थोड़ा बहुत कलरफुल लाइट लगाया है और वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और बाहर हो रही है बारिश, इस बार दिवाली पे पूरा बारिश हुआ और बेंगलोर का वेदर जो है एकदम से कोल्ड हो गया है। और आज से स्टार्ट हो गया है कृति का स्कूल। दिवाली वेकेशन के बाद ये उसका पहला स्कूल है और अभी भी उसका ऑनलाइन ही क्लास चल रहा है। और 1 नवंबर को कर्नाटका राज्योत्सव है, तो उसी के पर्पज़ में आज उसके स्कूल में एक कर्नाटका फोक डांस कंपटीशन है जिसमें कृति ने भी हिस्सा लिया है। मैंने कोशिश किया है थोड़ा बहुत उसको उस टाइप से साड़ी पहनाने का, बट मुझे पता नहीं कि कितना मैं कर पाई। और बहुत कम टाइम रहता है, 10 मिनट के अंदर मुझे उसको रेडी करना रहता है, तो जल्दी जल्दी मैं जितना हो सके मैंने उसको रेडी करवा दिया। तो मेरे जितने सारे कर्नाटका के फ्रेंड हैं, बैंगलोर के फ्रेंड हैं, मैं उन सब से बोल रही हूँ कि मैंने कृति को कितना मतलब ठीक ठाक पहना पाई साड़ी, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ दूसरा टाइप होता है या अगर कुछ दूसरे तरीके से भी पहनाना होता है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए। Recording stop. Very good, well done. Atashi, it was beautiful and it looked very pretty. Now go back, I will take you one picture with them. Yeah. गुड मॉर्निंग। और अभी अर्ली मॉर्निंग टाइम है, मेरी जो हेल्पिंग हैंड है वो आ गई है, तो मैंने सोचा चलो सब सो रहे तो मैं ये थोड़ा बहुत क्लीनिंग जो है वो कर लूँ। मैंने नीचे जो रंगोली बनाई थी वो मैंने एक दिन पहले ही क्लीन करवा लिया था, बट ऊपर जो फ्लावर थे वो सब पानी में रखा हुआ था तो वो आराम से 4-5 दिन रह गया था और बहुत अच्छी तरह से रह गए थे, तो इसके लिए मैंने उसको छोड़ दिया था और नीचे का क्लीनिंग मैंने करवा लिया था। अभी क्या है ना, अभी जो फ्लावर है वो एकदम से सूख रहे हैं और सूखा हुआ फ्लावर घर पे रखना नहीं चाहिए, तो इसको मैं हटा लूंगी। और बाहर आप देख सकते हो एकदम से फॉग छा गया है। आज तो फिर भी कम है लेकिन कल बहुत ज़्यादा था। और मेरे कपड़े जो है बिल्कुल नहीं सूखे हैं, मेरी वॉशिंग मशीन भी ख़राब है तो हाथ से ही मुझे आजकल कपड़े धोना पड़ रहा है, और हाथ से धोने वाले कपड़े ना सूखने में 2-3 दिन लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग, उसको उठना नहीं है क्योंकि बाहर ना बहुत कोल्ड है, लेकिन कल से आज ना थोड़ा सा कम है। हाँ, लेकिन अभी बैंगलोर में ना थोड़ा सा धूप मतलब नजर आ रहा है, बारिश नहीं हुई ना आज। हाँ,
इसीलिए और फॉग भी नहीं है, फॉग है, है? है नहीं, कल से कम है, कल से कम है, वो है। बैंगलोर का वेदर ना एकदम हिल स्टेशन जैसा है। और अभी मैं रेगुलर बेसिस का जो डस्टिंग होता है वो कर रही हूँ। और दिवाली में कुछ दिन मेरा ऐसे डस्टिंग करना बंद था, अदरवाइज़ मैं सुबह ही डस्टिंग कर लेती हूँ कभी कभी आफ्टरनून में, बट दिवाली के मतलब बिजी हो जाने के कारण मेरा डस्टिंग बंद हो गया था। और आज ना थोड़ा बहुत ज़्यादा ही डस्टिंग टाइम दे के करना पड़ रहा है, क्योंकि डस्टिंग ऐसी एक चीज़ है ना, अगर आप 4-5 दिन गैप दे दो तो बहुत ज़्यादा धूल जम जाता है। और जैसे कि मैंने पहले भी शेयर किया है, पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा धूल आता है घर पे। और जो भी फ्लावर मेरे अभी तक ठीक ठाक है उसको मैं अलग करके रख रही हूँ, और ये रजनीगंधा है जो मेरा और रत्न का फेवरेट है। और बाकी दो फ्लावर बचा हुआ है येलो कलर का, उसको भी मैं हॉल पे रखूँगी, क्योंकि हॉल का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मैच हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है। और सुबह 6:30 को मेरा घर का मॉपिंग और क्लीनिंग हो जाता है। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत मुझे क्लीन करना रहता है तो मैं वैक्यूम क्लीनर से करती हूँ, अदरवाइज़ क्या होता है ना कि अगर झाड़ू लगाऊंगी तो वही धूल फिर से फर्नीचर पे आएगा। और जितने सारे कैंडल होल्डर है उसको मैं अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी, और पूरी साल मैं इसको एज अ सोपीस यूज़ करती हूँ। और मैंने हर साल थोड़ा थोड़ा करके कैंडल होल्डर ख़रीदा है, एक ही बार में पूरे घर के लिए ख़रीदना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये ना बहुत कॉस्टली भी होते हैं। सस्ता वाला रहता है लेकिन जो अच्छा लगता है, जो पसंद आता है, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। और मेरे पास दो उड़ली है, अगर मैं इसका रिव्यू दूँ तो बड़ा वाला जो है वो मैंने होम सेंटर से लिया था, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि उसका साइन अभी तक जैसा है, मतलब स्टार्टिंग में जैसा था वैसा ही है। लेकिन छोटा वाला मैंने लोकल शॉप से लिया था, और पानी के जो स्पॉट होते हैं ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आते हैं। और बारिश के कारण हम लोग बैल्कनी के सारे दिवाली लाइट हटा लिए हैं, हम लोगों का बहुत मन था कि मैं क्रिसमस तक ये लाइट रखूँ। और ऊपर का जो लाइट है पहले ही अतनु ने हटा लिया है, और नीचे का पोर्शन मैंने क्लीन किया है, लेकिन अंदर का जो लाइट है वो सब मैंने क्रिसमस के लिए छोड़ दिया है। ओके दोस्तों, तो ये था मेरा आफ्टर दिवाली क्लीनिंग रूटीन। और आप लोगों की आफ्टर दिवाली क्लीनिंग हो गया है या नहीं ये भी कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।